तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है? तो मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हो हमेशा की तरह गेम आकाश। तो बात करें इस गेम प्ले की। ये गेम प्ले बेसिकली मुझे रिकॉर्ड करने या फिर रस गेम प्ले बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे बहुत ही ज़्यादा नेट प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मैं गेम प्ले खेल नहीं पा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 दिन बाद गेम प्ले खेला है, जो कि यही था जिसे मैंने सिर्फ एक गेम प्ले खेला था कल कल रात को, और वो भी हॉटस्पॉट कनेक्ट करके। तो ये रिकॉर्ड हो गया और थोड़े कम किले हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट करने के बाद जैसे ही मैं जा रहा था तो यहाँ पे एक बॉट के फुटस्टेप आते हैं। मैं सरप्राइज हो गया, जिसे कि मैंने बहुत ही प्यार से मार दिया। अब मेरा मेन एम था कि मेरे को गाड़ी उठानी हो और चलना है बंदों को ढूंढने, और पास में हुआ था ड्रॉप। तो भाई डायरेक्ट चलते हैं ना ड्रॉप पे, जादू दिखाते हैं आपको। 1 2 3 गो। तो हम लोग आ जाते हैं अपने जादू से, हैक से ड्रॉप पे। ड्रॉप लूटते हैं, ड्रॉप पे कुछ खास नहीं था, आरपीजी थी, जो कि मेरे किसी काम की नहीं थी। बहुत लोग इसे उठा लेते हैं, अभी देखने वाले हो आप कौन कौन उठाता है। और मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट रेड हाउस पे कि कोई बंदा ड्रॉप लूटने आएगा और मैं उसे बजा दूंगा। तो अब देखते जाओ भाई कौन आता है ड्रॉप लूटने। जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ तो मेरे राइट साइड में कोई बम फोड़ता है, मतलब फाइट हो रही होती है। तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया। सामने थी कार्नेटेड, लेकिन मेरे पास एक भी स्कोप नहीं था। तभी ड्रॉप पे एक गाड़ी आई, जिससे कि मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। अब मैं नहीं चाहता था कि ये किल कोई और ले जाए, इसलिए मैंने भाई गाड़ी पीछे लगा दी। अब देखते जाओ भाई इसके कैसे ही मारते थे। मुझे पता था ये बग्घी से अगर भागेगा तो इसकी बग्घी स्लिप होगी, और जैसे स्लिप होगी वही फ़ायदा मैं उठाऊंगा। अब देखते जाओ भाई इसकी बग्घी स्लिप होती है। जब भी आप बग्घी चलाया करो तो बूस्ट पे मत चलाया करो, अगर तुम्हारे पीछे गाड़ी लगी हो कुछ। वही इस बंदे के साथ गड़बड़ हो जाती है, इस बंदे की हो जाती है बग्घी ग्लिच। और देखो भाई, मतलब ये बंदा मेरी गाड़ी के नीचे नहीं आया था फिर भी ये ख़त्म हो गया। आप स्लो मो में देखो कि कैसे आउट हुआ। अब देखते जाओ, मतलब ऑलमोस्ट इस बंदे से मेरी गाड़ी 2 मीटर दूर से निकली थी। तभी इस बंदे से मेरे को 4x मिल जाता और अच्छी खासी लूट मिल जाती। मैं जैसे यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ तभी मेरे राइट साइड में 2 बॉट आ जाते, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सॉरी। और भाई यहाँ पर पता नहीं क्या पबजी वाले दूसरी तरीके से साउंड भेज रहे थे, मेरे राइट साइड लेफ्ट वाले बंदे की राइट साइड में साउंड आ रही थी और राइट लेफ्ट में। मैं इस बंदे को तो देख के, मतलब इस बॉट को देख के हैरान हो गया। ये बंदा मेरे दूसरे ईयर में सुनाई दे रहा था, लेकिन ये था कहीं और। इन बंदों से कुछ खास लूट नहीं मिली, लेकिन तो कुछ एमओ मिल गई। तो मैं यहाँ से चल देता हूँ अपनी K98 लेने। तभी मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ ड्रॉप पे, एक मैं सोच रहा हूँ लूट लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बंदा था जिसके हाथ में थी आरपीजी। मैंने आरपीजी गेस कर लिया था और भाई चलाया भी इसने, मैं बच गया। पता नहीं कहाँ जाके फटी, और मेरे सस्ते ड्राइविंग ने इसे कुछ नहीं कर पाया। तो मैं समझ गया अब मेरे को घर पे ही जाना। तभी वो बंदा एक और बार आरपीजी चलाता है, जो कि मेरे बिल्कुल साइड में फटती है। तो भाई वो तो किस्मत अच्छी थी। और यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी K98 उठाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे 4x मिल चुका था। तो अब इजीली था स्नैपिंग करना, तो मैं पहले 4x लगाता हूँ और उस आरपीजी वाले बंदे को ढूंढने लगता हूँ कि भाई कहाँ पर हो तुम, सर दिखाओ, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। लेकिन वो बंदा मेरे को नहीं दिखने वाला है। और तभी मेरे लेफ्ट साइड से कोई पीपी फटकाता है, और ये बंदा मेरे को नहीं दिख रहा है। पीपी फटका रहा है लेकिन बंदा नहीं दिख रहा है। तो मैं समझ गया कि ये बंदा उसी पत्थर के नीचे होगा, लेकिन मैंने सोचा एक बार और देखते हैं। लेकिन ये बंदा मेरे को नहीं दिखा, तो मैंने सोचा भाई चलो गाड़ी उठाते हैं और इस बंदे को पहले पेल कहते हैं। तो भाई मैं बंदे को उसी बंदे को मैं मारने जा रहा था, पीपी भाईजन वाले को, ठीक है। तो अब देख दो भाई क्या क्या ही मेरे साथ गलत सीन होते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो मेरे सामने से एक Dhoom 3 की गाड़ी जाती। तो भाई मैं सल्यूट करने के लिए रुक गया, मतलब उसे मारने के लिए रुक गया। मेरे को लगा कि वो गाड़ी इधर ही आएगी, लेकिन नहीं आई, वो गाड़ी गई डायरेक्ट ड्रॉप पे। अब मैं यहाँ पे देखो भाई क्या ही ग्लिच हो रहा है। रेडमी नोट है भाई, मत करना, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। मैं इस बंदे का एम ले रहा था, यहाँ पे मेरा हेड पे भी आया लेकिन मेरा फायरिंग नहीं हुआ। जब हुआ तब वो बंदा निकल गया, ठीक है। और मेरे पीछे से कोई बॉट मेरे को परेशान कर रहा है। तो भाई पहले से पहल लेते हैं कि कोई इन्हीं लोगों की वजह से मेरा किल चला गया, समझ लो, मान लो कि यही था वो जिसकी वजह से मेरा किल गया। तो मैंने बॉट को मार दिया और भाई गाड़ी लेके चलते हैं उस बंदे के पीछे। लेकिन मारने किसे आए थे? पीपी वाले को। तो पहले पीपी वाले को मारेंगे,
फिर उसको मारेंगे। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ तो पीछे से कोई डासिया लेके आता है। तो ये डासिया याद रखना, ठीक है, सिल्वर कलर की डासिया थी, जिसे ये मैं अभी आगे बहुत ही गंदे तरीके से पहनने वाला हूँ। अब देखते जाओ, पहले मैं पीपी वाले को मारता हूँ जो कि सामने फिर से सीटी मारने लगता है। तो पहले से मारते हैं भाई, लाइक कर दियो यार। इसे तो मैं मार देता हूँ, लेकिन इसके बदले में इसने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। अब मेरा पूरा मकसद था कि वो सिल्वर कलर की डासिया वाले को, लेकिन तभी मेरे राइट साइड से बगी आ जाती है। तो भाई देखते हो भाई, इसे भी कैसे मारते हैं। और यहाँ पर आरपीजी वाला बंदा था जिसे कि इसने कुचल दिया। कोई नहीं, भाई ने किल ले लिया, लेकिन मैं कुछ भी कहकर चाह रहा था कि मेरी गाड़ी इस बग्घी के पीछे आ जाए। तो लेकिन ये बंदा कुछ भी करने नहीं दे रहा था। तभी मेरे लेफ्ट साइड से एक डासिया आ जाती है। ये वही डासिया है जो कि वहाँ से निकली थी, जिसे मैंने कहा था याद रखना। अब मैं पूरा बीच में फंस चुका था, मतलब दोनों जगह से चेक की, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लिया, मैं राउंड करके यहाँ पर आ गया। और ये दोनों डासिया और बग्घी वहाँ सामने चली जाती है, और एक बंदर घर के अंदर, और यहाँ पे मैं मरते मरते बचा, लेकिन इसे मार देंगे आगे। मतलब कि भाई मैं लास्ट एचपी पे बचा हूँ। ओ भाई क्या ही किस्मत थी यहाँ पे। अब वो बंदा था सामने वाली बिल्डिंग पे, मैंने पहले सोचा नेट करता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई फर्स्ट एड लगाते, पता कोई तीसरा बंदा के पीछे से फैल गया तो बहुत गड़बड़ होगा। तो भाई चलते हैं इस बंदे के पास, और यहाँ से मैं करता हूँ एक नेट। तो ये नेट बहुत ही गंदा जाने वाला है, अब देखते जाओ भाई कैसे चलते हैं। और ये बंदा यहाँ पर दरवाज़ा खोल के बैठा होता, मतलब ये बंदा भी बीच पे होगा। मेरे को लगा कि ये बंदा ऊपर जाएगा, तो मैंने ऊपर एक मॉली की, लेकिन मॉली भी कुछ ज़्यादा फ्लो हो गई और ये बंदा ऊपर भी नहीं गया। ये बंदा यहीं पर था जिसके मुझे हाथ दिख जाते हैं। अब देखते जाओ, जिसे भी दिखे कमेंट करो। दिख जाते हैं तो भाई मैं समझ जाता हूँ ये बंदा यहीं पर। अब देखो भाई कैसे चलते हैं इसे। पिन खींचा और नेड कर दिया, इस बंदे को डैमेज हुआ, पता नहीं क्यों नहीं मरा, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज था। और मुझे पता ही था ये बंदा कहाँ पर होगा, तो पेलते हैं भाई से। और भाई अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो मतलब क्या ही कर रहे हो यार, अभी जाके लाइक कर दो। इसे थोड़ा बहुत लूटते हैं, बहुत ही अच्छी इसके पास लूट थी। लूट करने के बाद भाई यहाँ से गाड़ी उठाते हैं, लेकिन ये गाड़ी में फ्यूल और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा डैमेज थी, तो मैं गैराज से दूसरी गाड़ी ले लेता हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ से मैं जब जैसे ही दूसरी गाड़ी लेता हूँ, सिर्फ ऊपर देखता हूँ, सिर्फ चार बंदे, चार में से एक मैं, बचे तीन बंदे। तो मैं वहाँ से आने के बाद यहाँ पर रुक जाता हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पर बंदे ज़रूर होंगे, क्योंकि ये बंदा, ये घर भी जोन में था। सॉरी गलती हो जाती यार। और काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने सोचा कि जोन शिफ्ट होगा, मैं जैसे जोन शिफ्ट होगा मैं जोन में चला जाऊंगा। अभी भी किसी बंदे ने फाइट नहीं की। जैसे जोन शिफ्ट हुआ तो भाई मैं निकल गया। मैंने सोचा कि चलो भाई चलते हैं पहाड़ पे, क्योंकि पहाड़ मेरे को मतलब थोड़ी दूर जाना था। तो मैंने पहले सोचा कि लो पहाड़ चेक कर लेते, कोई बंदा उस साइड से नहीं है कि जो कि मेरे को पीछे से चल। मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, वहाँ राइट साइड से टावर के पास से किसी ने डीपी फटकाई। अब जिसके ऊपर फटकाई थी वो बंदा मेरे को दिख गया, और इस बंदे का नाम पढ़ो भाई। अब मैं बोलूँगा नहीं, मतलब आप ही पढ़ लो यार। और उसके बाद मैं उस बंदे को ढूंढने लगा। ये बंदा था टावर के ऊपर, जिसे कि एक हेड दिया, हेड नहीं था, आई थिंक बॉडी था। और जहाँ पर मैंने दोबारा देखा वो बंदा तो नहीं दिखा, लेकिन जैसे मैं कान एंटी रिलोड करा था, मेरे को पत्थर के पास एक बंदा सिरकता हुआ सांप दिखा, जिसे कि मैंने एक बॉडी दिया। अब बॉडी दिया क्योंकि वो घास में था, तो हेड नहीं दिखा। दूसरा मिस हो गया क्योंकि वो मूवमेंट करने लगा। तीसरा भाई ये शॉट देख के मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ भी ना सोचो, मतलब डेफिनेटली सब्सक्राइब। जिसे कि मैंने हेड दिया, लेकिन पबजी लाइट ने रेंडर नहीं किया। अभी थर्ड लेवल का होगा, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ भाई जोन में, और उसका करते हैं वेट। जैसे ही आएगा उसकी चटनी बनाएंगे। तो भाई जोन में आने के बाद ये बंदा अभी भी टावर से उतर रहा था, जिसे कि मैं पहले स्प्रे में ऑलमोस्ट एक से दो हिट देता हूँ, और दूसरे स्प्रे में 203। मैं उसका वेट करने लगा, भाई साहब आओ मैं तुम्हें मारूंगा, आओ तुम, मैं तुम्हें मारूंगा। और फाइनली भाई साहब आ जाते हैं। तो मतलब कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।